और लगाओ बस। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोलेरो पिकअप का सेल्फ। देखिए फ्री घूम रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ही हमारा इंजन स्टार्ट नहीं कर रहा था, फ्री चल रहा था सेल्फ। इसको हम देखेंगे इसमें क्या ख़राब है, देखिए कैसे रिपेयर कर सकते हैं आप भी घर पर। देखिए हमने खोल लिया है, 8 नंबर की गोटी लगती बेट इसमें, ये सेल्फ के नट हैं, रोकर के नट खोलेंगे हम बिट की मदद से। ये देखिए हमने बिट की मदद से रोकर के नट खोल लिए, सेल्फ के नट हैं, 8 की टामी से खुल जाएंगे। आपके पास 8 की टामी हो या गोटी वगैरह हो उससे भी खोल सकते हैं। देखिए हमने इसके नट खोल लिए, अब इसके सेलोनाइट स्विच के से रॉकर का वायर खोलेंगे हम, इसको भी खोल लिया हमने। देखिए अच्छे से हमने इसको रॉकर को दबाकर कैप को निकाल लेना है। अब रॉकर को हम अच्छे से निकालेंगे, इस पर इसका लॉक लगाकर। देखिए लॉक लगाया हमने, आराम से इसको निकाल लिया। देखिए हमने रॉकर को निकाल लिया, अब इसकी मैग्नेट कॉइल को निकालेंगे हम। देखिए आर्मेचर और मैग्नेट कॉइल हमारा साथ में निकल जाता है। देखिए इसको हम अलग रख देंगे, हमारे क्लच गियर हैं ये देखिए, इनमें प्ले भी है बहुत। सेलोनाइट स्विच को निकालेंगे हम, बिट की मदद से खुल जाएगी, आपके पास पेंच का सो तो उससे खुल जाएगी। देखिए खुल नहीं रही, नट को थोड़ा ठोक कर खोल लेंगे हम छेनी की मदद से। देखिए आराम से खुल जाती है। देखिए सेलोनाइट स्विच को हम चेक करेंगे बाद में कर लेंगे, अभी हमारे ये गियर निकाल लिए हमने। देखिए फॉर्क है हमारा सेल्फ का, जो हमारे पिनियन को आगे पीछे करता है। इसकी पैकिंग रबड़ ख़राब हो चुकी है, बैंडेक्स तो हमारी सही है। हमारी शॉप जो है वो ख़राब हो चुकी है, बुश भी कट गए हैं। देखिए शॉप और ये अगला बेयरिंग भी ख़राब है। देखिए हमने नए लाने हैं इसमें डालने के लिए, क्लिच गियर सेट शॉप वगैरह इसमें सब आती। देखिए हमने फिट कर दिया, बुश भी लगा दिया आगे। अब इसमें हम ग्रीस लगाकर गियर को फिट करेंगे। देखिए ये सॉफ्ट हमारी ख़राब है, नई वाली डाल दी है, बुश भी बदल दिया हमने। ये अच्छे से हम इसमें ग्रीस लगा देंगे, फिर इसमें हम गियर को लगाएंगे। हमने ग्रीस जो है इसमें अच्छे से लगा दिया, ये हमारे गियर हैं, इनको भी हम अच्छे से बिठा देंगे। बीच में भी लगा दिया हमने अच्छे से, देखिए गियर को बिठा दिया। इसमें आर्मेचर फंसा कर हम घुमा कर देखेंगे, देखिए सही वर्क कर रहे हैं हमारे गियर। इसमें जो है हम मैग्नेट कॉइल को डालेंगे, देखिए ये लगा दी हमने अच्छे से, बिठा देना है हमको। देखिए ये हमारी मैग्नेट कॉइल अच्छे से बैठ गई है, नट डाल कर देख लेना है पहले ही अच्छे से। देखिए अब बैठी हमारी, थोड़ा ठोकना पड़ा,
और मीचर को थोड़ा रेत माल से अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ हो गया हमारा, अब इसको अच्छे से बैठा देंगे। अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा और मीचर। इसकी रॉपर को हम लगाएंगे इसमें, अच्छे से बैठा देना है। ये अच्छे से बैठ गई हमारी रॉपर। इसका कैप इसको भी लगा देंगे, इसमें अच्छे से नट सेल्फ की कस देंगे हम। अभी हमको टाइट नहीं करना है नट को। थोड़े ढीले ही कसने हैं। अब इस तीली की मदद से हम रोकर को सरकाएंगे जिससे हमारे नट कस जाए इसमें। आसानी से फंस गए। अच्छे से टाइट कर देना है। दोबारा से सेल्फ की नट अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए अब इसको हम ऐसे ही बिना सेलोनाइट स्विच के चला कर देखेंगे। पहले पेचकस से अच्छे से घुमा लें। फंस तो नहीं रहा है हमारा सेल, घूम रहा है या नहीं? देखिए घूम रहा है हमारा सेल। इसको हम पेचकस की मदद से घुमा कर देख लिया। अब डायरेक्ट चला कर देखेंगे। ये हमारा सेल्फ जो है वर्क कर रहा है। देखिए अब हम इस पर सेलोनाइट स्विच कसेंगे। हमने जो है पिस्टन लगा लिया, इसमें एक स्प्रिंग रहता है सेलोनाइट स्विच में, वो हमारा अंदर ही है। देखिए इसमें हम ये हमारी सेलोनाइट स्विच की अर्थिंग है, इसके साथ हम कस देंगे। इसको देखिए सेलोनाइट जो हमारी कस चुकी है। हम इसमें अब रोकर का बॉयल लगा देंगे। देखिए हम इसमें अच्छे से कस देंगे रोकर के वायर को 12 नंबर बिट से। देखिए हमने अच्छे से टाइट कर देना है। सेल को हम चेक करेंगे सेलोनाइट स्विच से स्टार्ट करके। देखिए हमने अर्थिंग लगा दी इसमें, बॉडी अर्थिंग। देखिए हमारा सेल्फ जो है वर्क कर रहा है। अब इसको हम असेंबल करेंगे पिकअप पर। और सेल्फ देखिए हमने इसमें असेंबल कर दिया है। हमारा सेल्फ जो है लेने लगी पिकअप। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।